तो दोस्तों, क्या आप भी जब अपने GTA 5 गेम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी एक इन्फिनिट लोडिंग स्क्रीन का एरर आता है, यानी आप अपनी गेम की लोडिंग स्क्रीन को कितना भी देखते रहें वो स्टार्ट नहीं होता है और आपकी लोडिंग स्क्रीन चलती रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी और बात करने वाले, तो सिंपली सबसे पहले इस गेम के एरर को देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो सिंपली इसके लिए मैं अपनी GTA 5 गेम को जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम ना लगे और आप सीधा लोडिंग स्क्रीन पर पहुंच जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन आ चुकी है। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हम चाहे कितनी भी लोडिंग स्क्रीन का वेट करें, यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन ख़त्म नहीं होगी और आप चाहे कितनी देर तक भी वेट करते रहें, ये लोडिंग स्क्रीन चलती रहेगी और आपका गेम स्टार्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि थोड़ी देर अगर मैं इसे और रखता हूँ तभी भी ये ऐसी ही चलती रहेगी। तो सिंपली इसको हम गेम को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरे केस में ये क्लोज़ नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर जाके एंड टास्क कर रहा हूँ ताकि हमारा गेम क्लोज़ हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपके केस में क्लोज़ होता है तो सिंपली आपको सिर्फ इसको क्लोज़ कर लेना और ये सब चीज़ आपको नहीं करनी। तो दोस्तों, क्लोज़ करने के बाद सिंपली इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सिंपली आपको ओपन आईवी को इंस्टॉल करना होगा, या अगर आपकी ओपन आईवी इंस्टॉल है तो उसको ओपन करना होगा। तो दोस्तों, मैंने इसके बारे में एक वीडियो पहले से बना रखी कि आप अपने गेम के अंदर ओपन आईवी या फिर और बाकी मोड फोल्डर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो सिंपली वो आपको उसको देख लेना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको दो फोल्डर मेन चाहिए, जो कि एक पहला मोड्स फोल्डर और दूसरा अपडेट फोल्डर। तो सिंपली हमारा जो अपडेट का फोल्डर है वो हमारी गेम की सारी ओरिजिनल फाइल्स को कंटेन करता है। तो सिंपली इसके अंदर चले जाना होगा। तो दोस्तों, चले जाने से पहले आपको एडिट मोड को ऑन करना होगा ताकि आप इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप का फंक्शन को यूज़ कर सके। तो सिंपली यहाँ पर जाने के बाद सिंपली आपको update.rpf के फोल्डर में चले जाना होगा और वहाँ से आपको कॉमन फोल्डर मिल रहा होगा, कॉमन के अंदर डेटा फोल्डर मिल रहा होगा। तो दोस्तों, सिंपली आप जब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको गेम कॉन्फिग की एक फाइल मिल रही होगी, जिसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना आपके डेस्कटॉप पर। तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको वापस अपने GTA 5 की गेम डायरेक्टरी में आ जाना होगा। सिंपली बैक के बटन को क्लिक करके आप गेम डायरेक्टरी में आ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर वापस आप मोड के फोल्डर में इस बार आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको X64 अपडेट के अंदर वही सारे फोल्डर मिल रहे होंगे जो कि हमारे अपडेट फोल्डर के अंदर मिल रहे थे। तो सिंपली आपको वापस डेटा फोल्डर के अंदर चले जाना है। तो सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल करते करते आप जब डेटा फोल्डर के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सारी फाइल सेम ही मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको जो आपकी गेम कॉन्फिग की फाइल मिलेगी, तो दोस्तों इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, जो आपने अभी अपनी अपने डेस्कटॉप पर ड्रॉप करी थी उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो सिंपली ये करने के बाद आपको अपने ओपन आईवी को क्लोज करना होगा। तो सिंपली ये सब करने के बाद भी अगर आपका गेम लोडिंग स्क्रीन पर ही क्रैश हो जाता है तो सिंपली इसका एक ही मतलब है कि आपने अपनी गेम के अंदर बहुत सारे मोड व्हीकल्स को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो सिंपली इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है जिससे आप इस वीडियो को ढूंढ सकते हैं और उसको देख के अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत आती है तभी आपको ये सब करना है, नहीं तो आपको वैसे दिक्कत कोई आने वाली नहीं है और आपका गेम सीधा चालू हो जाएगा। तो सिंपली हमारी जो लोडिंग स्क्रीन जो पिछली बार हमारी चालू ही नहीं हो रही थी, इन्फिनिट लोडिंग स्क्रीन हो रही थी, इस बार हमारी लोडिंग स्क्रीन चालू हो चुकी है और हमारा गेम भी चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारा गेम भी चालू हो चुका है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो सिंपली मैं एक और बार बता देता हूँ, अगर आपका गेम अगर लोडिंग स्क्रीन पर ही क्रैश हो जाता है तो सिंपली मैंने उसके ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, जिसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आप लोडिंग स्क्रीन में जो हुई है क्रैश को फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसी और इंटरेस्टिंग GTA 5 या फिर टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।